वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर मैं स्नैक्स बना रही थी, तो चाय हमारी बन चुकी है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। तो चाउमीन के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया हुआ है और उसके बाद मैंने प्याज इस तरीके से जो है पतली पतली कट करके और शिमला मिर्च इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा प्याज को नम होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना नहीं कि प्याज जल जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चाउमीन का जो मसाला आता है वो, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बस वही मसाला मैंने डाल दिया। तो मेरी चैनल आद्या फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक ठाक से हैं। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, 4:45 का टाइम हो रहा है और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तैयार। जो को थोड़ा सा घुमाएंगे टहलाएंगे, काफ़ी दिन हो गया अक्षत आद्या बाहर कहीं घूमने। अभी रास्ते का व्यू है और हम सास बहू देख सकते हो कैसे कार में बैठे हुए हैं और मेरा वीडियो भी चल रहा है साथ ही साथ। और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और अब धीरे धीरे मौसम अच्छा ही होता जाएगा, और क्योंकि अब बारिश का सीज़न तो जा ही रहा है। तो हम देख सकते हो पहुँच गए हैं यहाँ पर और आज ना बच्चों की खूब मस्ती होने वाली है। तो देख सकते हो आद्या अभी यहाँ पर बलून लेने की ज़िद कर रही है। आद्या अक्षत बलून से बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो बलून लेने की ज़िद कर रही, तो दादी उनको बलून दिला रही हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ टिकट काउंटर के पास क्योंकि मुझे लेना है टिकट और ये गए हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने। तो इस तरीके से मिल बाँट करके सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो देख सकते हो मम्मी इनको बलून दिला दी हैं और ये खुश हो गई हैं, खेल रही हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम अंदर, फिर अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। और अब अक्षत बोल रहे हैं कि दादी आपने आद्या को बलून दिलाया है, मुझे नहीं दिलाया। तो बच्चों की ज़िद ऐसी ही होती है, एक को कोई चीज़ मिली और दूसरे को ना मिली तो वो तुरंत के तुरंत अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो अभी अक्षत का मूड ख़राब हो गया है और उन्होंने आद्या के हाथ से ही बलून छीन लिया है, तो देख सकते हो। और आद्या ने वापस से अपना बलून ले लिया है, तो इनकी ये मस्ती ना, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ना मुझे देख करके हंसी आ रही है कि बच्चे आपस में भाई बहन ऐसे, हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही लड़ाई करते थे भाई बहन। तो सब भाई बहनों में ये चीज़ बहुत होती, प्यार भी बहुत होता है और लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और पास रहेंगे तो लड़ाई ज़रूर करेंगे। और अभी अगर अक्षत स्कूल चला जाता है तो आद्या एकदम परेशान होने लगती है, मम्मा भाई को जल्दी से स्कूल से ले आ। और जब साथ रहेंगे तो दोनों को देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मार पिटाई इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हो हस्बैंड जी आगे आगे चले जा रहे हैं और मैं मम्मी पीछे से हैं। और ये देखो यहाँ पर एरोप्लेन बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोग आए हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। जी बच्चों के साथ हमारी भी मस्ती चालू हो गई है और मैं भी झूला झूल रही हूँ और अपना बचपन मैं भी इंजॉय करने लगी हूँ। हालांकि मुझे झूला झूलते हुए देख करके ये बोल रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी होकर के झूला झूल रही हो, बट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक है झूला झूलने का, तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करने लगी हूँ और बस इतना सा ही। और उसके बाद अब अक्षत
झूला झूलेंगे, इनको भी झूलना है तो अभी ये भी झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो शाम का टाइम है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब घूमने टहलने आते हैं शाम के टाइम और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हो खूब सारे यहाँ पर झूले हैं, तो बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, खूब खेला। और अभी हम लोग अब बस बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर तो खूब मज़ा आया, खूब मस्ती की सबने, अक्षत आद्य ने खूब इंजॉय किया, इन लोगों ने भी खूब झूला झूला। मैं तो यहाँ काफ़ी दिन बाद आई हूँ और अच्छा भी बहुत लग रहा है। अक्षत आद्य दोनों आगे आगे चले जा रहे हैं, इनके साथ हैं और बस काफ़ी खुला खुला है। पर हम मम्मी सब लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हो ये चेयर लगी हुई है और बीच में ना थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो गई थी, बारिश जैसे हो गई थी, तो हल्का हल्का कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गीला हो गया और कहीं कहीं पर एकदम से सूखा है। तो आद्या बार बार भाग जा रही थी और मैं उसको पकड़ पकड़ के ला रही थी। और यहाँ पर ये लोग कुछ खा पी रहे हैं क्योंकि भूख लगी है, तो हम इनके लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स लाए थे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है इनके लिए बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह कुछ ले रखा था थोड़ा बहुत। तो अभी मम्मी इनको बैठ करके खिला रही हैं और अक्षत देख सकते हो भाग रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बस इनका यही सब चल रहा है, तो बस चलो हम लोग घर जा रहे हैं। और अक्षत ने आज खूब इंजॉय किया ना, खूब मस्ती की, खूब सारा राउंड राउंड खेला, खूब झूला झूला, खूब सारी स्लाइड किया। और क्या किया है बताओ? गुलाटी मारा पहाड़ से, गुलाटी मारा, खूब मस्ती हुई है इनकी। और देख सकते हो यहाँ इस पार्क में ना बहुत सारे लोग आते हैं शाम के समय, सब घूमने आते हैं, वॉक करने आते हैं, इंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम भी आज निकल लिए थे और ऐसे तो अभी अक्षत का मन नहीं कर रहा जाने का ना, और पापा आगे आगे जा रहे हैं, फिर आगे थोड़ी देर के बाद फिर आप लोगों से बातें करूंगी। और आज डे है सैटरडे और संडे वाले दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, संडे वाले दिन लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं संडे वाले दिन, तो खूब इंजॉय करते हैं लोग, खूब घूमते टहलते हैं। लेकिन आज का ब्लॉग सच में मेरा एडिट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ी सी टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बस मन नहीं कर रहा था, बट वीडियो बनी हुई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को तक पहुँचा देते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो देख सकते हो ये सब यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है। और कभी कभी होता है ना दिन बड़ा उदास सा हो जाता है। और अभी हम आ गए हैं घर में और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो क्योंकि मम्मी का है फास्ट, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जस्ट इसमें ऑयल डाला है और उसके बाद ऑयल मतलब ब्रेथ वाला ऑयल, और उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और अजवाइन डाला है और मूंगफली डाल दिया है। थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें जो मैंने आलू कट करके रखे हुए थे वो आलू डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए जो सेंधा नमक है उसको डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे तो हल्के से आलू गल जाएंगे। और जब ये आलू जो अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें फिर मैं टमाटर डाल दूंगी। और साबूदाना मैंने एक दो घंटे पहले बना के रख दिया था। और व्रत में ना साबूदाना की खिचड़ी अच्छी लगती है खाने में, व्रत हो वैसे भी नॉर्मली साबूदाना की खिचड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो देख सकते हो अभी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो चलो अभी इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से टमाटर डाल दिया और थोड़ी देर तक इसको भी ढक करके पकाएंगे और जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद फिर साबूदाना डालेंगे।
तो देख सकते हो अभी टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी साबूदाना, तो ये देखो, और यमी सी हमारी व्रत वाली खिचड़ी साबूदाना की रेडी हो गई है। तो चलो वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल।